हाथरस लोकसभा सीट पर भाजपा से टिकट मांगने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। स्थानीय स्तर पर भाजपा से टिकट पाने के लिए करीब 70 दावेदारों ने अपने आवेदन किया है, लेकिन इस लिस्ट में अब साध्वी प्राची का भी नाम जुड़ गया है। हाथरस लोकसभा सीट पर लंबे समय से भाजपा का ही कब्जा है। आपको बता दें, हाथरस लोकसभा सुरक्षित सीट से भाजपा की टिकट के दावेदारों की सूची में अब एक और नाम जुड़ गया है। टिकट मांगने वाले दावेदारों की लिस्ट में साध्वी प्राची के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। सूत्रों की माने तो वह टिकट के लिए इस समय आलाकमान के संपर्क में भी बताई जाती है। साध्वी प्राची विश्व हिंदू परिषद में राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी है। वह बागपत की निवासी हैं और वर्तमान में हरिद्वार में रह रही हैं। वह कई बार सामाजिक कार्यों में भी हाथरस आती रही हैं।